उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एक बैठक की गई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि यूपी में बेसिक से लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षा तक के सभी स्कूल कॉलेज 22 मार्च तक बंद रहेंगे। अगर कहीं परीक्षाएं चल रही हैं तो परीक्षाएं होंगी, लेकिन परीक्षा शुरू नहीं हुई है तो आगे टाल दी जाएंगी। एकेडमिक घोषित नहीं किया है, लेकिन एकेडमिक एक्ट के अंदर कुछ पावर डेलीगेट किए हैं, जिससे हम लोग हर एक व्यक्ति को उपचार की व्यवस्था, आवश्यकता पड़ने पर उसे आइसोलेशन वार्ड तक पहुंचाने की व्यवस्था कर सके, जिससे बीमारी एक दूसरे में संक्रमित न होने पाए। और इस कार्रवाई को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग इसका नोटिफिकेशन निकालने जा रहा है। साथ साथ स्वास्थ्य विभाग से एक बारे में और भी कहा गया कि इस बारे में लोगों को बताएं कि जिसे मास्क की आवश्यकता नहीं है वे मास्क न लगाएं। मास्क वही लोग लगाएं जो वास्तव में जो इससे संदिग्ध है या जो इससे संक्रमित है। हर एक व्यक्ति को इसमें मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी अनावश्यक रूप से पैनिक स्थिति पैदा न हो। हम इसके बारे में जरूर लोगों को अवगत कराएं, इसके बारे में लोगों को बताएं। तो ये चीजें पर्याप्त मात्रा में मास्क और इससे संबंधित जो भी आवश्यक ग्लव्स हैं, इनकी उपलब्धता सरकारी हर जनपद में मेडिकल स्टोर में उपलब्ध हो, इसके बारे में आवश्यक तैयारी करने और कहीं भी मास्क ग्लव्स या फिर इससे संबंधित किसी भी अन्य चीज का कहीं भी कोई कालाबाजारी न करने पाए, इसके लिए सख्त हिदायत दिए गए हैं कि इस पर सावधानी बरत कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए।